जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा आयोजित सामूहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाओं में असफल साबित हुई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज एवं कोरोना टेस्ट मशीन कांग्रेस नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की देन है और उसमें अभी तक भाजपा जयराम सरकार MRI टेस्ट मशीन और एक्सरे टेस्ट मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई है। सुनील शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार कोई भी योजना नहीं बना पाई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जो कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है, उसमें MRI टेस्ट मशीन अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है और ये कांग्रेस के विधायक की देन है कि उन्होंने अपनी विधायक निधि से कोरोना टेस्ट मशीन को यहाँ पे स्थापित किया। एक्सरे की मशीन तक हमीरपुर अस्पताल में अभी तक नहीं लग पाई है। तो कोई भी सरकार सबसे बड़ी महामारी के समय में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में भी असफल साबित होती है तो इसके मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम की सरकार, केवल मात्र कोरोना का बहाना लेकर के आंखें बंद करके जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को बड़ी भांति समझ चुकी है। और कोरोना के समय में अभी जो इन्होंने 5 दिन का एक सप्ताह घोषित किया, हमें ये जानना है कि अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, पुलिस में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके लिए जयराम सरकार के पास क्या योजना है। मेरा तो इतना मानना है कि हमीरपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल असफल साबित हो चुकी हैं और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं होने से लोग मजबूर हैं प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए, महंगा इलाज कराने के लिए, और कोरोना के चलते बाकी बीमारियों को जो खांसी जुकाम या हल्का बुखार भी है वो मरीज जो है वो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस काम करने के तरीके की निंदा करती है और उनको असफल घोषित करती है और विपक्ष में रहने के बावजूद कांग्रेस का जो भी दायित्व है वो हमारे चुने हुए विधायक निभा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं वो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मात्र कोरोना का बहाना लेकर के इस समय को व्यतीत कर रही है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस नकारेपन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।